हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन दैट इट्स हाइट एंड रेडियस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें रेशियो निकालना है टोटल सरफेस एरिया में एंड कर्व्ड सरफेस एरिया में, जब हमें रेडियस और हाइट दे दिया है। ठीक है, तो हाइट दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग पहले हम निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। ओके, यहाँ पर आप जो है वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू है 22/7, डिवाइड बाई आर की वैल्यू है कितना, रेडियस आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, ये रेडियस है 3.5 इन ब्रैकेट एच प्लस आर, एच प्लस आर मतलब कि 7.5 प्लस 3.5। ओके, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर हमें कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, 7 से कट जाएगा, 7 7, ये कट जाएगा 7 5 35, 0.5 हो जाएगा ये। और देखिए 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे यदि हम 2 से, तो 10 हो जाएगा, और डेसिमल एक लगाया है तो 0 कम खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आ गया और ये 22 बचा है, मतलब 22 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 5 10 का 0, 5 5 10 का 0 1 कैरी ओवर एंड 7 3 10 और 1 11, और डेसिमल एक बढ़ाएंगे तो इतना आएगा, मतलब 11.0 आएगा। तो यहाँ पर आ गया 11 2 जा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 2 जा 22 का 2, और 2 कैरी ओवर 11 2 जा 22 एंड 2 24, 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब निकालते हैं कर्व सर्फेस एरिया। कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये आता है आपका 2 पाई आर एच एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई 2 इंटू 20/7 इंटू आर, रेडियस कितना है यहाँ पर 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 7.5। देखिए एक तो तरीका ये है, मैं एक दूसरा तरीका बताऊंगा सिंपल तरीका, अभी लास्ट में देखिएगा आप। ओके, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा कितना 0.5, अब ये 0.5 और ये 2 मिल करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और बचेगा आपका 22 और 7.5, इतना बचा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई ना ही करिए तो बेहतर है, इसको एक ही में रखिए, और इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें निकालना है रेशियो। रेशियो निकालेंगे तो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, तो सो रेशियो बिटवीन, देखिए जो रेशियो पूछा है इसमें पहले पहले क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सर्फेस एरिया। तो पहले लिखेंगे रेशियो बिटवीन द टोटल सर्फेस एरिया, बिटवीन टोटल सर्फेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, पहले पहले लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, होल अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। यहां पे आएगा टोटल सरफेस एरिया आपका 242, या फिर उसके ऊपर वाला भी रख सकते हैं, उसके ऊपर वाला रखेंगे तो सही रहेगा, थोड़ा सिंपल लगेगा और कट जाएगा आसानी से। 22 इंटू 11 अपान, यहाँ पर लिखिए ये वाला 22 मल्टीप्लाइड बाई 7.5। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया ऐसे ही डायरेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा डेसिमल हटाएंगे तो मिलेगा 110 अपान, ये मिलेगा 75। 5 से कटाइए, 5 से कटेगा तो 5 2 जा 10, यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10। ओके,
फाइव टू जै टेन, फाइव टू जै टेन, ओके ठीक है। यहाँ कटेगा फाइव से क्या होगा, फाइव वन जै फाइव, टू बजे 25, फाइव बजे 25, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 22/15, और यही आपका रेशियो होगा फाइनल। तो 22:15 दिस इज योर आंसर, 22:15 इज द फाइनल रेशियो बिटवीन टोटल सर्फेस एरिया एंड कर्व सर्फेस एरिया। तो देखिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके निकाला ना, एक सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं कि जो टोटल सर्फेस एरिया है ये वाला और जो कर्व सर्फेस एरिया है ये वाला, इन दोनों को पहले डिवाइड कर दीजिए। तो 2πr h + r को जब डिवाइड करेंगे, मतलब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा अलग तरीके से कुछ, ठीक है। तो रेशियो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 2πr h + r डिवाइड कर देंगे 2πr h से, 2πr h से। देखिए यहाँ पर 2πr और 2πr कैंसिल हो जाएगा और h बचा केवल, यहाँ पर हो जाएगा h + r/h। तो h + r क्या हो जाएगा, h + r मतलब कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 11। अपान h कितना है, h आपका है हाइट 7.5। देखिए यहाँ से बहुत जल्दी जो है निकल गया आपका, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से, नीचे भी कर लेंगे 10 से, मिल जाएगा आपको 110/75। अब यहाँ कटाएंगे तो मिल जाएगा आपको 22/15, और यही आपका है रेशियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।